بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن हम सब का अलमिया ये है कि हम अपनी ही पहचान नहीं रखते और दूसरों को नंगा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं और दूसरों को जानने का दावा रखते हैं। आप जब तक खुद को नहीं पहचानोगे, खुदा को नहीं पहचान सकते। सियाने कहते होते हैं, देग चू एक दाना चखी दा होता है। ठीक है, तो अल्लाह की इस देग में से एक दाना चखें और वो अपने आप को रखें। आप उसकी प्रोडक्ट जो है, सबसे करीब जो आपके है, जो आपके सामने टोटल नंगी है, उसको भी वैसे पूरा नहीं आप देख सकते। कोई इंसान अपनी बैग, अपनी गुद्दी तक नहीं देख सकता पूरी। लेकिन बहरहाल आप अपने आप को पहचानें, आप अपनी पहचान करें और फिर दूसरों पे हदें लगाएं। अपनी बार तो हमारे पास इतनी रिलैक्सेशंस हैं, हमने अदालत में जाके भी कह देना होता है, जी असेंबली में तो झूठ बोलने की इजाज़त है। मुझे तो समझ नहीं है ये कौन से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की असेंबली है अगर उस असेंबली में झूठ बोला जाना है। ठीक है, तो मैं माजरत चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो झूठ के सख्त ख़िलाफ़ थे, जिनके नाम पर अगर आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ना नाम रखें, ना आप ना नाम रखें, आप सिर्फ पाकिस्तान रख लें, पाकिस्तान रख लें, कुछ भी रख लें, लेकिन अगर आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखेंगे तो फिर हरामी जमहूरिया पाकिस्तान वाले काम नहीं चलने, फिर बरकत नहीं पड़ेगी उसमें ना। फिर वो अल्लाह तो इस तरह के तमाशे और इस तरह की शरारतें जो हैं वो पिछली कौमों की भी देख चुका है। नहीं जी, हमने मछली इधर से नहीं पकड़ी, हमने इधर से पकड़ी है। नहीं जी, हित्ता तुन्नी क्यों कहना है, तुन्ना तुन क्यों ना कह दें, तो अल्लाह फिर तुन्ना तुन्नी कर देता है। तो ये बड़े क्लियर कट, कुछ चीज़ें क्लियर कट हैं। मुझे कह देते हैं बहुत ज़्यादा, मेरे पे इल्ज़ाम है कि डॉक्टर साहब शायद पता नहीं काफ़र हैं, मुनाफिक हैं। मुनाफिक तो मैं हूँ, लेकिन मुझे नाम ही नहीं आते वो। बहरहाल जो जो उनका फ़िरका होता है उससे अपोजिट मुझे कहीं भी डाल देते हैं। जो सलफ़ी हैं वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब पता नहीं शिया हैं, सुन्नी हैं, वाबी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, हत्ता के कादियानी, मरज़ई, सब कुछ हो गया हूँ मैं। तो ये सारा होते हुआते डॉक्टर साहब ने तो क्या क्या दिया, डॉक्टर के पास तो आप दवाई लेने गए हैं, डॉक्टर तो आगे काफ़र भी बैठा होगा, आपने दवाई लेनी है। अभी वो इंडिया से जो भाई हमारा जहाज़ पे गिर गया था, कि आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से तो भाई है ना, क्या नाम था उसका, टुनटुन नहीं, नहीं कुलभूषण, तो अभी हमारा मेहमान अभिनंदन, तो अब अभिनंदन आके इधर अकड़ जाता कि नहीं मैंने तो ये मुसलमान डॉक्टरों से दवाई नहीं लेनी। वो बेचारे को काफ़ी चोटें चोटी लगी हुई थी। तो ऐसा तो नहीं होगा, वो तो डॉक्टर, तो डॉक्टर होते हैं। लेकिन बहरहाल वो भी चले, मुझे चलता है सारा, मुझे उसने अपना जुर्म नहीं समझा था। वो ज़्यादा इसलिए कहते डॉक्टर साहब कहते तस्बियाँ बंद कर दो वजीफे। भाई मैं ये कह रहा होता हूँ कि आप फ़र्ज़ आपके पूरे नहीं हैं। ठीक है, जब तक आपके फ़राइज़ पूरे नहीं हैं, आप फ़राइज़ को छोड़ के, आप फ़राइज़ को छोड़ के और नवाफिल के ज़रिए शॉर्टकट मार रहे हैं, ऐसे नहीं होता। और फिर उस पर अमल नहीं है। जो नारे आप मार रहे हैं, जो आप जिक्र अज़कार अपनी तरफ से कर रहे हैं, चाहे अल्लाह के नाम है, चाहे अस्तगफार की तस्बीह है, आयत करीमा की है, और आप उससे इंटायरली अपोज़िट उसी वक़्त जा रहे हैं, उसी वक़्त वही गलती साथ साथ दोहराई जा रहे हैं, तो उसके असरात, उसकी कैफियत आपके ऊपर जो आना शुरू होती हैं, वो फिर आप कहते हैं जी ये जिन है, भूत है, असरात हैं, वो मैं मना कर रहा हूँ। तो आगे आपकी मर्ज़ी है अपनी, ये सारी चीज़ें अल्लाह माफ़ फरमा देता है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान करना, अल्लाह के बंदे को, अल्लाह के प्यारे को, अल्लाह की निशानी को ठुडा मत मारना, वो रिज़ल्ट यहीं शुरू हो जाते हैं। ये मैंने बार बार बात पहले भी की है, मैंने ये कौमें, ये नस्लें, ये फैमिलियां फंसी हुई देखी हैं। बड़ी मुश्किल माफ़ी मिलती है और दोबारा ज़रा सी भी गुंजाइश, वो चेक एंड बैलेंस कंटिन्यूस चल रहा होता है, क्योंकि
हमारी मिट्टी जो है ना, ये मैं कहना ना, चीकनी मिट्टी है, बड़ी छेती तिलकती है, दोबारा ये बड़ी तेजी से ये स्लिप होती है, अकड़ती है। इस मामले में बहुत सख्त है, सरकारें द्वारा भी माफी ले दें तो ले दें। और कोई पता नहीं उसको किसकी कौन सी अदा पसंद है, किसकी कौन सी कुर्बानी उसे पसंद है। कुर्बानी के बकरे मैं कहता तो इन लोगों को, घरों में ऐसे होते हैं, हमारे घरों में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने उस वक्त अल्लाह के नाम पे कुर्बानी दी होती है, बड़ी छोटी सी उम्र में या इंतहाई नामसाइद हालात में सखावत का मुजाहरा किया होता है, कि अपनी ज़रूरत की चीज़ भी कुर्बान की होती है अल्लाह की खातिर, अल्लाह की मखलूक की खातिर, जहाँ कोई नहीं देखने वाला होता, वो एहसान से भी आगे कुर्बानी की मंजिल पे गए होते हैं। तो असल में खुदा के नाम पे वो कटमरे होते हैं, खुदा के नाम पे जान, माल, औलाद, इज्जत, अपना आराम सब कुर्बान किए होते हैं। अब बेसिकली वो नहीं होते, खुदा होता है वहाँ पे। वो कहता है कि जिस पे मुझे प्यार आ जाता है ना, उसकी हर शय पहले मलिया पेट कर देता हूँ, हत्ता कि उसे कत्ल कर देता हूँ, और फिर दैयत में मैं खुद होता हूँ, फिर मैं अपने बंदे की निगाह बन जाता हूँ, दुआ बन जाता हूँ, हाथ बन जाता हूँ। अब उसको ठुड्डा मार के कोई जाए तो जाएगा। हम अपनी इबादतों के जोम में टकरा जाते हैं, तो मैं तो बहुत नेक हूँ और ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता। कोई पता नहीं होता क्या कहानी है। आजजी, आजजी, आजजी। वक्त का सैयद माफ़ी फिर ले दे अगर सरकार दुआलम के सुबह। मैंने तो ऐसे देखा है, मेरा एक्सपेरिमेंट है, मेरा मुशाहिदा है, मैं आप लोगों का दीन मज़हब नहीं बोल रहा। आजिज कर देता है वो। साइंस भी कह रही है 7 जनरेशन तक जीन का इफेक्ट जाता है, मैथमेटिकली डिवाइड करके देख लेना, मैं स्पिरिचुअली बता रहा हूँ, ठीक है। वो दादे नाने की करतूत साथ साथ आती रहेगी। अगर कोई माफ़ी ले दे तो और बात है। علم القرآن خلق الإنسان